पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रिंग ऑफ फायर का मुशाहिदा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सूरज ग्रहण कुछ घंटे जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में ये जज़्वी तौर पर नजर आया था। मैं हूँ अल्तमश उमर और आप देख रहे हैं कौन क्या है। महकमा मौसमियात इस्लामाबाद की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में जुज़्वी सूरज ग्रहण का आगाज मुकामी वक्त के मुताबिक 8:47 पर हुआ और सुबह 11:40 पर यह अपने अरूज पर था। इस ग्रहण को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है क्योंकि इसके दौरान चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाएगा, जिसमें चांद सूरज पर छा जाता है। ऐसी सूरत हाल में सूरज का बैरूनी हिस्सा ऐसे दिखाई देता है जैसे रिंग या छल्ला हो। ख्याल रहे कि सूरज ग्रहण उस वक्त वकूफ पजीर होता है जब चांद अपने मदार में चक्कर लगाते हुए जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। सूरज ग्रहण के मौके पर लोगों को हमेशा एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है। माहरीन मशवरा देते हैं कि वो सूरज को बराह रास्त ना देखें और मखसूस चश्मे का इस्तेमाल करें। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अमराज पर कंट्रोल करने के मुतालिक सेंटर के मुताबिक ग्रहण लगने के मौके पर सूरज को बराह रास्त नहीं देखना चाहिए, उससे नजर पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। उससे आंख के देखने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो सकती है। आंख में मौजूद रेटिना खराब होता है और कोई भी चीज देखने की सलाहियत पर असर पड़ सकता है।